नमस्ते। आज की कहानी का शीर्षक है अनोखा घोंसला। इसे लिखा है कविता सिंह ने और इसके चित्र बनाए हैं पार्थो सेन गुप्ता। चलो अब कहानी सुनते हैं। ठंड आने वाली है, इसलिए चिड़िया घोंसला बना रही है। वह तिनका तिनका लाती, उनको ठीक से जमाती। बड़ी मेहनत से घोंसला बना, सुंदर व नरम घोंसला। वो बहुत खुश है, सोच रही है कि ठंड में आराम से रहेगी। सोचते सोचते उसे नींद आ गई। तभी लगा कि घोंसला हिल रहा है। सोचा शायद हवा से हिल रहा होगा, लेकिन फिर जोर जोर से हिलने लगा। वह झटपट उड़ी, उड़ते ही घोंसला गिर गया। देखा एक हाथी पेड़ से पीठ को जा रहा है। हाथी को खूब बुरा भला कहा। उसने एक नई जगह ढूंढी जहां हाथी ना आ सके। फिर से घोंसला बनाना शुरू किया। जल्द ही नया घोंसला बन गया। फिर वह आराम से लेट गई। तभी उसे बड़ी बड़ी आंखें दिखाई दी। वो घबरा कर झट से उड़ी। वो आंखें एक आदमी की थीं। उसने घोंसला फेंक दिया, फिर पुताई करने लगा। चिड़िया ने आदमी को भी बुरा भला कहा, दुखी मन से उड़ चली। चिड़िया उड़ती जा रही थी, तभी उसे एक गुब्बारा दिखा, फिर दूसरा गुब्बारा, फिर बहुत सारे गुब्बारे। उसने नीचे देखा तो इतने सारे गुब्बारे। गुब्बारों को देखकर वो बहुत खुश हुई और उसे एक तरकीब सूझी। जानते हैं क्या? उसने फिर से घोंसला बनाया, एक अनोखा घोंसला जहां कोई उसे परेशान ना करे। देखा आपने, गुब्बारों वाला घोंसला कितना अनोखा, कितना सुंदर। अब हमारी चिड़िया बहुत खुश है। कैसी लगी कहानी आपको?